वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाई, आज मैं अभी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में एक ऐसी जगह, खास जगह आया हूँ आपको दिखाने के लिए। और लखनऊ का सबसे फेमस जो गेट है ये है रूमी दरवाजा भाई। तो रूमी दरवाजा का आइए आज इतिहास जानते हैं। दरवाजा ये आसिफुद्दौला ने 1784 से 86 के आसपास बनवाया था और अवध के समय इसको भाई कहा जाता था गेटवे ऑफ तुर्किस, लेकिन अभी इसको माना जाता है भाई रूमी दरवाजा कहा भी जाता है। इसके बारे में खास बात बताते चलूं, ताकि ये जो है भाई अकाल प्रोजेक्ट ये है आसिफुद्दौला के दौर का भाई। ये जो है इसके बारे में बताते हैं कि जब लखनऊ की सरजमीन पर बिल्कुल अकाल पड़ गया था और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और हर तरफ बेरोजगारी फैली थी, किसी भी तरफ आप जाते थे लखनऊ के कोने कोने में बेरोजगारी का बिल्कुल चरम पे था भाई। उस वक्त यहाँ के नवाब ने, नवाब आसिफुद्दौला ने भाई, तो सोचा एक अकाल प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। तो उस वक्त का ये मनरेगा स्कीम के तहत बनवाया गया और इसके बनने में भाई रोज लोग आते थे, बना के जाते थे और रात में जो है इसको गिरा दिया जाता था। ये जो है ना भाई, ये आपको मिल जाएगा, ये जो रूमी दरवाजा मिलेगा आपको जस्ट इमाम बाड़ा के पास आपको मिलेगा। इमाम बाड़ा भूल भुलैया, एक ये रोड जो है ना, रोड तो उस साइड आपको दिखेगा भाई, इमाम बाड़ा मिल जाएगा, भूल भुलैया और शाही बावली, और जस्ट इमाम बाड़ा के पास ये रूमी दरवाजा। और भाई मैंने आपको और सारी चीजें दिखाया, और ये जो है करीब 65 फुट ऊंचा इसकी हाइट है, और ये जो है सिर्फ ओनली उरुद का दाल और चूना से बना हुआ है। ये आपको देखने में पता चलेगा स्ट्रक्चर जो है कैसे ये बनाया गया भाई, उरुद के दाल और चूना से। ये जरा देखें भाई थोड़ा सा, और कैमरे में चूने से बड़ी बिल्डिंग, हाँ नहायत ही खूबसूरत, बिल्कुल चूने और उरुद की दाल से बनी हुई। ये जरा देखे, ये 65 फीट ऊंचा है भाई, ये 65 फीट ऊंचा, ये देखें इमारत, ये बहुत पुरानी ऊंची थी लेकिन इसलिए इसकी मरम्मत हो रही है नए तरीके से, अब इसे खूबसूरत बनाया जा रहा है। हाँ देखो इसको तराशा जा रहा है, बहुत कुछ टूट गए हैं उसको दोबारा से लगा, और लोग आते भी हैं यहाँ पर भाई फोटो वगैरह पिक्चर खिंचवाने के लिए। और ये जो है मैंने बताया पहले कि अवध के वक्त को गेटवे ऑफ तुर्किस भी कहा जाता था, और अभी जो है ये रूमी दरवाजा के नाम से फेमस है। तो यहाँ के पास आपको मिल जाएगा ये घंटाघर, क्लॉक टावर जो बोलते हैं, और छोटा इमाम बाड़ा भी, ये वाला सीधा रोड आप अगर जाएंगे जब, ये जरा देखें, ये सीधा जो दिखाई दे रहा है ना भाई, ये बिल्कुल आपको इमाम बाड़ा के, ये सीधा इधर से आएगा और ये जो है जा रहा है क्लॉक टावर, छोटा इमाम बाड़ा, और ये आपको मिलेगा फ्रंट पर रूमी दरवाजा। और इसके बाद भाई आपको मिल जाएगा बिल्कुल मोस्ट फेमस बड़ा इमाम बाड़ा और भूल भुलैया, और वहीं पर आपको मिल जाएगा शाही बावली भी। चलिए तो भाई आज का व्लॉग यहीं तक रहा, और फिर मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में लखनऊ के। और अभी मैं 2-3 दिन रहूंगा लखनऊ में, इसलिए आपको मिलेगा देखने के लिए लखनऊ का व्लॉग। फिर आपको किसी और सफर में चलेंगे तो आपको बताएंगे, आपके साथ साझा करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और चलिए भाई वक्त भी हो गया थोड़ा सा ज्यादा और अंधेरा होने के तादाद पे बिल्कुल आ गया, तो अब चलते हैं भाई, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी भाई। जय हिंद जय भारत।